हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं खीर कदम। खीर कदम ये बंगाल का बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। इसे हम बनाएंगे बहुत ही ट्विस्ट के साथ और इस दिवाली मेहमानों को हम यही मिलाकर खिलाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप जितना ग्रेटेड गाजर, 1 कप खोबरा चीन, 1/2 कप दूध, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/4 कप शक्कर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो आइए शुरू करते हैं बनाना खीर कदम। सबसे पहले हम मिक्सर जार में कोकोनट यानी खोपरा चीन और मिल्क ये हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के सबसे पहले इसको सॉटे करूंगी। अभी हम इसमें ग्रेटेड गाजर डालेंगे और अच्छे से इसको भी सॉटे करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और थोड़ा सा पक जाना चाहिए। अब डालेंगे शक्कर और मिल्क पाउडर, अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे हम इसे बंद कर देंगे। अब स्टफिंग के लिए काजू, बादाम, इलायची दाना और शक्कर ग्राइंड कर लेंगे। उसमें हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर और दूध से एक टफ जैसा डो बना लेंगे। असल में खीर कदम में छोटे छोटे रसगुल्ले डालते हैं, पर हम जैसे ये इंस्टेंट बना रहे हैं, रसगुल्ले को बनाने में भी 1/2 घंटा लगता है, पर ये हमारा खीर कदम इंस्टेंटली और टेस्टी डिलीशियस बनेगा। देखिए हमने इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। अब इसका हम अच्छा डो बना लेंगे। अब हमारा ऑरेंज मिश्रण भी ठंडा हो गया है, उसकी मैंने लोइयां बना ली है। अब मैं हाथ पर छोटी पूरी बनाऊंगी, उसके अंदर एक ऐसे छेद करके उसके अंदर मैं डालूंगी ये ग्रीन कलर का बॉल। अब मैं सभी साइड से उसको बंद करूंगी धीरे धीरे करके और फिर उसको एक लड्डू के समान बंद करके अपना खीर कदम तैयार हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से खीर कदम तैयार है। ये सब होने के बाद हम इसको थोड़ा 1/2 घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारे खीर कदम अच्छे से सेट हो जाए। हमारा दिवाली स्पेशल खीर कदम तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।